नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर चांदपोल क्षेत्र के गोर मैदान में मरुधरा नारी सशक्तिकरण संस्थान और पुलिस विभाग के महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र के द्वारा संचालित नारी आत्मरक्षा सशक्तिकरण प्रशिक्षण साप्ताहिक शिविर का समापन समारोह रविवार शाम को 6 बजे बड़ी धूमधाम से हुआ। शिविर संचालिका आरती श्रीमाली ने बताया कि सप्ताह भर से संचालित इस शिविर में सैकड़ों महिलाओं और बालिकाओं ने हिस्सा लिया और पुलिस के ट्रेंड ट्रेनर से शारीरिक और मानसिक सक्षमता सीखने के साथ साथ शिविर में समाज को स्वच्छ पर्यावरण रखने के संदेश के लिए स्वच्छता अभियान चलाया। स्वस्थ जीवन के लिए 1 दिवसीय योग शिविर लगाकर स्वस्थ मन स्वस्थ जीवन का संदेश देने के साथ साथ नियमित ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, जुडो, कराटे, सोशल मीडिया में साइबर क्राइम सजगता, सामान्य जीवन में अपराध की रोकथाम के लिए सजगता, कानून की जानकारी प्रदान की गई, जिसकी क्षेत्रवासियों के साथ साथ संपूर्ण जोधपुर में सकारात्मक चर्चा का विषय है। शिविर के समापन समारोह की तैयारियां बड़ी धूमधाम से हुई, क्षेत्रवासियों में खुशी और उत्साह का माहौल है। शिविर के समापन आयोजन में शहर के प्रमुख व्यक्तियों की गरिमा में उपस्थिति रही, जिसमें मुख्य अतिथि प्रसन्नचंद मेहता रहे, सुरसागर थाने के प्रमुख अधिकारी और समस्त पुलिस विभाग, योग गुरु रेखा पनवार व अन्य गणमान्य अतिथि पधारे और सभी को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आरती श्रीमाली ने सभी का आभार व्यक्त किया और दुपट्टे उड़ाकर व साफा पहनाकर तथा मोमेंटो देकर सभी को सम्मानित किया। हाँ बताना, हमने यह 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आत्मरक्षा करना सीखा। इसमें यहाँ पे ट्रिक्स सिखाए गए, टेक्निक सिखाई गई, जिससे हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। यह हमें पुलिस कमिश्नर शारदा मैम और अन्य सहभागियों ने भी हमें सिखाया है कि हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं और कोई भी हम पे कैसी तरह वार करना चाहे कर सके और हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। हाँ बताया, आत्मरक्षा शिविर में आपने क्या सीखा? हमने इन 7 दिनों में आत्मरक्षा शिविर में अपनी ना सुरक्षा कैसे की जाती है, अगर कोई हमलावर अपने ऊपर हमला करते हैं तो मतलब अगर कोई चाकू से वार करते हैं तो कैसे सुरक्षा की जाती है। हमने अपनी आवाज़ निकालना सीखा और अपना खुद का बचाव किसी भी स्थिति में कैसे किया जा सकता है वो करना सीखा और ना किसी से डरना नहीं, मतलब खुद की सुरक्षा कैसे की जाती है। हमने इन 7 दिनों में ऐसा सीखा कि मतलब एक्सरसाइज योगा वगैरह ये सीखा और है ना कैसे रक्षा की जाती है हम लोगों की। ये सारी ट्रेनिंग किसके द्वारा दी गई? ये सारी ट्रेनिंग शारदा मैम के द्वारा दी गई। शारदा मैडम कौन, मतलब पुलिस? हाँ, पुलिस कमिश्नर शारदा मैम के द्वारा की गई है। नमस्कार, मेरा नाम आदेश रहाली है और मैं एक बिजनेस वूमन हूँ और मैं यहाँ पे मेरे को यहाँ के संगठन की पुष्पा दीदी मेरे घर आई और उन्होंने कहा कि हम आपके क्षेत्र में ये कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो मैंने भी एकदम से हाँ कर दी और हाँ करने के बाद मैंने एक ही दिन में बहुत प्रचार प्रसार करके और काफी संख्या में मैंने औरतें और महिलाओं को किया एकीकृत बच्चों को और फिर हमने यहाँ पर ये कार्यक्रम 7 दिन का हमारा शिविर था। आज हमारे समापन समारोह है और हमने बहुत अच्छे से बच्चों को स्वावलंबी बनने के गुर सिखाए और इनको ना रोज की योगा और साइबर क्राइम से बचने के उपाय और इनको आत्म सुरक्षा का इनको सारे हमने गुर वगैरह सिखाए करे। हिरासन पुलिस ट्रेनर के द्वारा इनको सारी चीजें सिखाई गई और बहुत अच्छे और उत्साह से इन लोगों ने भाग लिया और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी आप सब मीडिया वालों का भी जिन्होंने आकर के हमारा रोज कवरेज लिया और रोज आप लोगों ने इस खबर को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित किया ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यह महिलाएं और बच्चियां आई और उन्होंने भाग लिया। धन्यवाद कहना चाहूंगी आप सब। कितनी लड़कियों को सम्मानित किया आज के कार्यक्रम में? 200 से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों को सम्मानित किया जाएगा और इनको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा राजस्थान पुलिस द्वारा और ये पूरा राजस्थान पुलिस द्वारा ही सिखाया गया शिविर है ये और अब हम इसके बाद में हम गांधी मैदान में भी कर रहे हैं शिविर आगे और निरंतर मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ और आगे नया कार्यक्रम करूं और ये मेरा पहला कार्यक्रम है इसलिए थोड़ा मैं ऐसे नर्वस भी हूँ कि कैसे क्या, लेकिन बहुत अच्छा हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। जी आपका संदेश? मेरा ये संदेश है कि आप लोग है ना पूरा अपना ध्यान अपने आप को बनाने में लगाओ और बढ़ो और इतना सीखो कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़े, आप खुद अपना स्वावलंबी खुद आप लोग बनिए।
खुद पे डिपेंडेंट रहिए।